हेलो बच्चों, वेलकम टू तथास्तु क्लासेस। और हम लोग जो है एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे, और एरर एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो है कि एरर का जो है हमारे कहते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जितने भी आपके जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है आपका, ठीक है। और इसलिए जो है रिसेंट ईयर्स में मतलब IIT ने जो है एरर एनालिसिस पे काफ़ी फोकस किया है, और मतलब करीब हर साल हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका एरर एनालिसिस आ ही रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो है कि काइनेमेटिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर एनालिसिस हो गया है, क्योंकि मतलब जो है जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आप काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है, 10 लेक्चर, 15 लेक्चर आता एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है खाली 2 लेक्चर पढ़ना है आपको और एक क्वेश्चन पक्का है आपका इसमें, ठीक है। तकरीबन हर साल जो है एक क्वेश्चन आपका वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या एरर से, ठीक है, इनसे आ रहा है आपका, ठीक है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने एक टर्म देखा था आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या था आपका? लीस्ट काउंट ये था आपका कि जो है हर स्टूडेंट की अपनी अपने अपना क्या होता है, एक लिमिट होती है जहाँ तक वो क्या कर सकता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है ना। हमने बताया था कि हम लोग जो है कि आपकी मिलीमीटर स्केल से हम लोग जो है अपने बालों का डायमीटर नहीं नाप सकते, ठीक है, या फिर हम लोग जो है एटम का साइज नहीं नाप सकते, या बहुत छोटी चीज़ें हम लोग मिलीमीटर स्केल से नहीं नाप सकते। तो जैसे जैसे क्या होता है कि आपका प्रिसीजन बढ़ता जाता है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो है रिफाइननेस भी क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट का हम लोग एक लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बताया था कि मिलीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है आपका, 1 mm होता है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm होता है, स्क्रू गेज का 0.01 mm होता है आपका। इससे और हमारे क्या होते हैं आपके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो और मतलब छोटी छोटी वैल्यू क्या कर सकते हैं आपके, मेजर कर सकते हैं गाइस, ठीक ना, बहुत बढ़िया। तो अब हमने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जैसे उन्होंने बोला कि हमारा डस्टर है, और उन्होंने डस्टर का हम डायमेंशन चेक करते हैं और देखा कि डस्टर की लेंथ जो आ रही निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है कुछ ये है 10.8 कुछ आ रही है, 10.8, और इसकी विड्थ जो आ रही है कुछ आपकी वो आपकी आ रही है 3.7, 10.8। तो हमने लिखा हमारा जो डस्टर का डायमेंशन है इसकी लेंथ कितनी है, तो हम बोले लेंथ हो जा रही है इसकी कुछ आपकी 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी हो जा रही है, इसकी हो जा रही है कुछ आपकी 3.7 सेंटीमीटर हो जा रही है गाइस, ठीक है। अब देखिए हमने चूंकि इसलिए जब भी अब क्या होती है कि हमें पता है कि इस मिलीमीटर स्केल की अपना क्या है, इसकी अपनी लिमिट है, ठीक है, ये 1 mm से छोटे डायमेंशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग इस तरह से रीडिंग लिखते हैं तो हम उसके बगल में क्या करते हैं, उसका लीस्ट काउंट लिख देते हैं। लीस्ट काउंट मतलब कि इस रीडिंग में एरर हो सकती है, कितनी एरर हो सकती है, तो हम बोलते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर किया है, जैसे मिलीमीटर स्केल से हमने इसको मेजर किया है, तो मिलीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो भी हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो मिलीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है आपका, 1 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ हम बोले आपको मिलीमीटर स्केल कितना है, मिलीमीटर स्केल हमने बताया होता है आपका है 1 mm होता है, तो 1 mm को हम लोग बोल देते हैं आपका कितना, 0.1 सेंटीमीटर बोल देते हैं। तो लीस्ट काउंट के साथ लिखते हैं तो हम इसमें लिख देते हैं कुछ आपका 0.1 सेंटीमीटर, और इसमें भी क्या है आपका एरर के चांस हैं कितने हैं, 0.1 सेंटीमीटर, इस टाइप से हम लिख देते हैं इसको। तो जब भी क्या होगा कि ये डाटा हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे अपने आप देखते ही कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस डायमेंशन को मेजर किया गया है, ठीक है, डायमेंशन मतलब लेंथ, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन मतलब लेंथ, वो डायमेंशन है यूनिट डायमेंशन वाला डायमेंशन नहीं, डायमेंशन मतलब लेंथ ही होता है। तो इस लेंथ को मेजर किया गया है तो जिस इंस्ट्रूमेंट से उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm है या 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू वो नहीं नाप सकता था। अब सपोज करिए कि आपसे बोला जाता है कि एक हम नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि सी, लेट सी इज इक्वल टू, हमने बोला आपका एल प्लस बी, ठीक। जैसे हमने बोला डस्टर है अपने पास क्या है, अपने पास डस्टर है, और डस्टर के हमारे पास क्या कहते हैं, डस्टर के अपने पास एक लेंथ है, डस्टर के हमने बोला अपने पास क्या है, एक विड्थ है। तो हमने बोला कि पेरीमीटर डिफाइन करते हो, पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका, 2L+2B हो जाता है, ठीक। हमने कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये हो जाएगा कुछ आपका खाली एल प्लस बी हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज वॉट आपका एल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10.8 + 3.7 ऐड करोगे नहीं करोगे, 10 + 8 = 3.7 करोगे, 8 × 7 = 15 हो गया, एक चला गया कितना हो जाएगा कुछ आपका 14.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इस। अब देखो जब
रीडिंग में लेंथ और विड्थ जो हमने मेजर किया है उसमें एरर है, ठीक है, उसमें एरर है। ये चीज हमारी क्या है, ये चीज लीस्ट काउंट जो आपको बता रहा है इसमें एरर है, तो हमने जो चीज एल प्लस बी को हमने ऐड किया है उसमें भी तो एरर होगी, उसमें भी एरर होगी। अब बताओ कि प्लस माइनस मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर लिखना चाहिए, जब मैंने लेंथ और विड्थ को जो है विद एरर लिखा है कि मतलब ये एरर हो सकती है इस मेजरमेंट में, तो जो सी मैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ जो कि एल और बी को ऐड करके निकल के आ रही है उसमें भी तो एरर होगी। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहे हो, यहाँ प्लस माइनस मुझे क्या लिखना चाहिए, 0.1 लिखना चाहिए, मुझे 0.2 लिखना चाहिए, कि मुझे आप क्या कहते हैं कि कहते हैं कि 0.3 सेंटीमीटर लिख देना चाहिए, कि 0.0 हम बोले 0.0 कर देना चाहिए, 0.0 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, बोलिए क्या लगता है आपको ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपके हिसाब से। 0.2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब है इसका, इसका सही जवाब क्या आपका 0.2 सेंटीमीटर ही है, ठीक। 0.2 सेंटीमीटर क्यों है, देखो हो सकता है कि अब जो इसमें एरर थी 10.8 की वैल्यू क्या हो सकती थी, इसमें एरर की गुंजाइश कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर गुंजाइश है। तो ये रीडिंग हमारी अभी 10.9 सेंटीमीटर हो सकती है, ये रीडिंग हमारी अभी 10.7 सेंटीमीटर हो सकती, नहीं हो सकती गाइस, क्योंकि एरर हो सकता है, तो हो सकता है 0.1 ज्यादा हो सकती है इससे, हो सकता है 0.1 कम भी हो सकती है इससे। इसी तरह से ये रीडिंग हमारी कितनी हो सकती है, ये रीडिंग हमारी 3.7 प्लस 0.1 ये हमारी 3.8 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और माइनस 1 किया हमने, ये रीडिंग हमारी कितनी हो सकती है, ये रीडिंग हमारी आपकी हो सकती है कुछ आपकी 3.7 माइनस 0.1 ये हो जाएगा कुछ आपकी 3. कितना 6 सेंटीमीटर हो सकती है, और हो सकती नहीं हो सकती गाइस, ठीक। तो सपोज कीजिए कि अगर अगर ये 14.5 अगर हम लोग प्लस माइनस 0.2 लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर लिखते हैं, किसी ने क्या किया, किसी ने नापा तो बोला कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 10.9 आ रही है और 3.8 आ रही है, तो 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8 17 हो जाएगा ना, तो 5 और 2 कितना 17 हो गया, नहीं हो गया, 14.5 प्लस 0.2 क्या देगा आपको, देखो इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं आपकी, इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, अगर प्लस 0.2 करते हो तो कितना हो जाएगा, 14.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अब माइनस 0.2 करते हो कितना हो जाएगा आपका, ये 14. आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस हो सकता है किसी भाई साहब ने इसकी रीडिंग को क्या क्या मेजर कर लिया, 10.9, और बी को क्या मेजर कर लिया, 3.8, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, नहीं हो गया, 7, ठीक। किसी भाई साहब ने क्या किया, किसी भाई साहब ने क्या किया कि ये और ये ले लिया, ठीक है, लेंथ को इतना मेजर किया, विड्थ को इतना मेजर किया, 10, 3, 13, 8, 7, 15, ठीक है, तो ये तो वही हो गया, 10.7 प्लस 3. नहीं, 8, 7, 15, हाँ ठीक है, हाँ तो कितना हो गया आपका, तभी हमारा कितना हो गया आपका, 14.5 ही आ गया आपका, 10.7 प्लस 3.8 इज आपको 14.5 गाइस, ठीक। तो 14.5 तो आ ही रही हमारी आपकी। किसी भाई साहब ने क्या किया कि अब जो है इसको हटा देते हैं, फिर बोले कि इसको और इसको ले लिया, तो 10.9 प्लस 3.6, 9, 6 कितना, 15, ठीक है, 14.5 आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। किसी भाई साहब ने क्या किया कि इसको जो है ये ले लिया 10.9 प्लस, नहीं ये तो ले चुके हम लोग ना, ये से एक बार ये ले लो, 9, 8, 17 ये आ रहा है, एक बार 9, 6, 15 ये आ रहा है, एक बार 8, 7, 15 ये आ रहा है, एक बार हम लोग बोल रहे हैं आपका कि ये और ये ले लो, 7, 6, 13, हाँ ये और ये ले लो, ये लो कितना हो गया आपका, 7, 6, 13 हो गया, 7, 6, 13 आ रहा, नहीं आ रहा, देखो गाइस 7, 6, 13 तीन लिखा एक हासिल, ठीक है, 11, 13, 14 14.3 आ रहा, नहीं आ रहा। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो सब के सब इसके जो वैल्यू होगी इनके बीच ही लाई करेगी, नहीं करेगी, 14.7 से 14.3 के बीच ही वैल्यू आपकी आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फिजिकल मेजरमेंट में, जब लोग मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट में हम लोग जो है जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो हम लोग जो उनके साथ एरर्स होती हैं, एरर्स को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एरर्स को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, लेंथ जैसे और विड्थ को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उनके साथ जो एरर्स होगी उनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करते हैं, सपोज हमने कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की डी, एक हम नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं डी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो हमारा क्या देगी, वो हमें एल माइनस बी देगी, अपनी एल माइनस बी देगी। अब देखो एल माइनस बी करने पर क्या आएगा, जो वैल्यूज है उनको तो आप वैसे ही सबट्रैक्ट करोगे, जैसा
करते आए हो, तो 10.8 माइनस 3.7 कितना हो जाएगा, 7 में से 8, 7 क्या हो गया, 1 आ गया कुछ आपका, डेसिमल लिखा, 10 में से 3 क्या कितना हो गया, 7 आ गया, 7.1 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया गाइस, आ गया। अब बताइए जो आप यहाँ पे एरर है, एरर को क्या करना चाहिए, उसमें मैं फिर से बताऊँ आपको, चार ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको कि 0.1, अब देखो सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को ना, तो एरर्स हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट करना है क्या, तो उन्होंने बोला 0.0 करना है, 0.1 करना है, 0.2 करना है, क्या हम बोल दे रहे हैं कि जो आपका 0.3 करना है, बताइए गाइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, ऐड होंगी, कुछ और होंगी, वही रहेगा जो एरर पहले थी, वही एरर रहेगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ ही बोलिए, गलत बोलिए, बोलिए तो कुछ सोच के बोलिए कि हाँ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। 0.2 वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। क्या करते हैं आप एरर्स को भी क्या कर लेते हैं, ऐड ही कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं ऐड, देखिए आपका फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बोला था ना कि वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, इसमें एरर इतनी हो सकती है तो वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, 0.1 ऐड करोगे 10.9, माइनस करोगे तो 10.7, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, 0.1 को ऐड करोगे, 0.1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सपोज करो कि अपने पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो हमने बोला कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10.9 माइनस 3.8, तो 9 में से 8 का कितना आ रहा है आपका, 1 ही आ रहा है, तो मतलब आपका आंसर यही हो गया भाई साहब, सही है। हमने बोला कि इसको लिया हमने और हमने इसको ले लिया कुछ आपका, ठीक। तो देखो 0.2 करने से देखो ऑप्शन हमारी जो रेंज है, आंसर की जो रेंज है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 7.1 प्लस 0.2 करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये 7.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7.1 माइनस 0.2 करोगे कितना हो जाएगा कुछ आपको, ये कुछ आपका 6.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं जाएगा इसे, सही। अब देखिए तो हाँ सर, वो पता नहीं, मैं आधे घंटे से सर ट्राई कर रहा हूँ, मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही थी, अभी मैं फोन से लॉग इन किया हूँ तो मुझे आवाज आई। अच्छा तो सर मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर इसका? हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा तुम्हें सर, भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ अभी ज्यादा स्टार्ट नहीं किया, बस यहीं से स्टार्ट किया, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो उसके साथ उसका लीस्ट काउंट भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, और जब क्या था उन वैल्यूज को हम लोग जो है एल्जेब्रिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, तो उन एरर्स को क्या करते हैं, एरर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग वही देख रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं, तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं एरर्स को भी ऐड कर लेते हैं, 0.1 क्या हो जाता है, 0.2 हो जाता है आपका। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपका कि लेंथ के साथ भी क्या है, लेंथ के साथ भी कुछ एरर है, विड्थ के साथ भी कुछ एरर है, आपने लेंथ और विड्थ को सब्ट्रैक्ट किया तो एरर्स को भी सब कुछ, एरर्स को भी कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एरर्स को भी क्या करते हैं ऐड ही करते हैं, मैं वही दिखा रहा हूँ कि मतलब एरर्स को क्यों हम लोग जो है क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। तो हमने दिखाया कि लेंथ की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो सकती है 10.9 से 10.7 हो सकती है, उस तरह विड्थ की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 3.8 से 3.6 हो सकती है, नहीं प्लस 0.1 तो 3.8, माइनस 0.1 तो 3.6, क्यों, ठीक है। अब जो है मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज करो कि किसी भाई साहब ने लेंथ को जो है ये नापा, क्योंकि एरर तो ये है, तो मतलब कोई ये नाप सकता है इसको 10.9 नाप सकता है, और मान लो विड्थ को उसने 3.8 नापा, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में से 8 गया, 1 आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये तो 10.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर है ही है। किसी भाई ने क्या किया कि लेंथ को ये नापा, विड्थ को उसने ये नाप लिया, तो 10.9 में 3.6 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 639 0.3 आ रहा नहीं आ रहा, बताओ क्यों, नहीं 10.9 माइनस 3.6 कितना आएगा आपका, 7.3 आ रहा भाई साहब, ठीक। तो इसको लेके हमने दोनों को ले लिया, अब हम कहेंगे इसको लेके हम दोनों को चेक करते हैं, तो एक बार हमने इसको और इसको लिया, अब 10.7 माइनस 3.8, 10.7 माइनस 3.8 गाइस 9, 8, 17, नहीं 9, 8, 17 तो एक चला गया, तो 3, 6, 3, 9 6.9 सही है, 6.9 भी आ रहा नहीं आ रहा, और इसको लेके आपने फिर क्या किया, आपने इसको ले लिया, किसी ने इसको और इसको नापा, 10.7 में 3.6 क्या कितना आएगा, तो 6, 7 और 3, 7, 10 7.1 आ रहा नहीं आ रहा, जितनी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी आपकी, इन्हीं दोनों के बीच लाई करेंगी। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो कोई मेजरमेंट लेते हो, और वो मेजरमेंट कभी जब किसी एल्जेब्रिक एंटिटी में क्या होती है यूज होती है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उन एरर्स के साथ हम क्या करते हैं,
ऐड करेंगे, एरर्स को भी ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि एडिशन में भी क्या करते हैं, एडिशन में भी हम लोग एरर्स को क्या करते हैं, ऐड ही कर देते हैं। 0.1 0.1 0.2 हो गया आपका, हमने ऐड कर दिया। और सब्ट्रैक्शन में भी वैल्यूज को तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एरर्स को क्या कर रहे हैं, एरर्स को ऐड ही कर रहे हैं। यहाँ पे एरर्स को सबट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं करना है कि मतलब 0.1 0.1 कितना हो गया, 0.1 माइनस 0.1 आपका 0.0 हो गया, तब भी हम क्या कर रहे हैं, तब भी हम जो है एरर्स को ऐड ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस, क्यों? हेलो, ये सर आ रही है, बात समझ में आ रही गाइस? ठीक है ना, तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में ठीक है हमें क्या करना होता है, जो लीस्ट काउंट होता है या फिर जो एरर होती है, एरर को हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आता है कि मान लो हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, हम लोग इसमें आते हैं मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने पढ़ लिया कि भैया जो एरर्स होती है उसको हम लोग ऐड करना होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एक नोट बना के कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एरर्स, मतलब कि लिस्ट काउंट, वी ऐड द एरर्स, जो लिस्ट काउंट होता है उन्हीं को हम एरर्स बोलते हैं, उनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन। अब हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, ठीक है, जिसका हमने बोला E इज इक्वल टू, हमने बोला लेंथ इंटू विड्थ, हमने कुछ बोल दिया, जैसे नहीं एरिया निकालना है टेस्टर का, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनके साथ इनकी एरर भी है, एरर को क्या करना पड़ेगा, एरर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, देखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ करो कितना आएगा, 10.8 × 3.7 कितना आएगा भाई साहब, बताओ 10.8 × 3.7 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7 × 56 7 × 7 3 × 24 3 × 3 6 9 9 9 सही है, 39.96। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 39.96 आ गई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे आपकी क्या आएगी, आपकी एरर आएगी। अब बताओ एरर के साथ क्या करना है, अब इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, अब जो पॉसिबल आंसर है कि उन्होंने बोला 0.1 ही रहने देते हैं, नहीं दोनों को ऐड कर लेते हैं, नहीं दोनों को हम बोले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.101 हो जाएगा कुछ आपका, हम बोले नहीं कहते हैं कि सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो इनमें से मैं आपको बता दूँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू क्या कहते हैं कि कैलकुलेट एरर फॉर सच टाइप ऑफ व्हाट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, हमें उसे फॉलो करना होता है, हम दिखाते हैं आपको कैसे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू कैलकुलेट एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कैलकुलेट एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देख करना कैसे होता है आपका, सपोज करिए कि हमें और मल्टीप्लाई किया हमने आपका, हम लोग क्या करते हैं कि हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू, हमने लिख दिया कुछ आपका, हाँ दे रखा है एल इन टू बी दे रखा है भाई साहब कुछ आपका, या कुछ भी हो सकता है कि सपोज दे रखा है कि कुछ आपका जेड इज इक्वल टू दे रखा है कुछ आपका एक्स इन टू वाई है, कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है वो कैसे डिफाइन की गई है, वो एक्स इन टू वाई के प्रोडक्ट से डिफाइन की गई है। एक्स में एरर होगा, वाई में एरर होगा, तो जेड में भी एरर होगा, तो जेड में कितना एरर होगा, और एक्स और वाई के एरर को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, इसे करते क्या है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा लॉग का आइडिया है क्या, लॉग का गाइज थोड़ा सा आइडिया अगर नहीं भी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉग कैसे लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे लॉग जेड। ठीक है, ये लॉग टू द बेस ई लिख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे लिख रहे हैं कि लॉग टू द बेस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग टू द बेस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एल एन बोलते हैं, एल एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ आपका एल एन जेड
एल एन जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एल एन ऑफ वॉट, एल एन ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब लॉग के अंदर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड होती है, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको एल एन एक्स प्लस एल एन वाई लिख सकते हैं। ये मेरे ख्याल सबको मालूम है क्या? सबको मालूम है? ठीक है, किसी को नहीं मालूम है तो मान ले कि ये एक रूल होता है लॉग का। ठीक है, ये हो जाएगा एल एन जेड इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन वाई हो गया आपका। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग हमने बोला बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को हमने क्या डिफ्रेंशिएट किया, तो एल एन जेड का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा भाई साहब? एल एन जेड का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? वन अपॉन जेड आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, फिर हम लोग उसको लिखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया हो, तो हम बोलते हैं कि डी जेड के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया है। वन अपॉन जेड इंटू डी जेड पर जाएगा, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? वन अपॉन एक्स आएगा, इंटू डी एक्स कर दोगे। एल एन वाई का कितना आएगा? वन अपॉन वाई आएगा, इंटू क्या कर दोगे? डिवाई कर दोगे। जो जो आपको वेरिएबल मिलते जा रहे हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, साथ में लिखते जाओ कि किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया हो, डी जेड डी एक्स और डी वाई, डी जेड डी एक्स और डी वाई। ये क्लियर है क्या? हेलो, ठीक है, इस क्लियर है? बहुत सिंपल वाला डिफ्रेंशिएशन है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइन नहीं, साइंस नहीं होगी। मैं इसको हटा दूं क्या? ठीक है, क्या लोग नोट कर रहे हैं मेरे ख्याल से? तो मैं इसको दिखा रहा हूं। सर, व्हाट इज एल एन जेड? व्हाट इज एल एन? लॉग, लॉग टू द बेस इज एल एन, लॉग टू द बेस इज कॉल्ड एल एन। ये भी लॉग ही होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे। लॉग लॉग कुछ बेस हो सकता है, लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई को हम लोग एल एन बोलते हैं, एल एन। ठीक है, नेचुरल नेचुरल लॉगरिथम, ये नेचुरल लॉगरिथम है आपका। डिफरेंशिएशन में ही समझ आ रहा है। क्या चीज सर? डिफरेंशिएशन जो बता रहे हैं आप, क्या चीज फिर से बोलो? सर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी? सर नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो फिर समझ नहीं आएगा। बस मान लो कि डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है, और डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों आता है। लॉग लॉग जेड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जेड ही होता है। किसी भी लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जेड, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, एल एन वाई का 1 अपॉन वाई, एल एन टी होगा तो 1 अपॉन टी। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। अभी मान के लो ये होता है, ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन के वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसको तुम देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। मतलब सब हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन रेडीमेड है, उनका तुम्हें फॉर्मूला रटा होना चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ऐसे एल एन एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स होता है आपका। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक वाले डिफरेंशिएशन हमें यूज करने, ज्यादा हमें वो टफ वाले डिफरेंशिएशन नहीं देखने इसमें आपके। ठीक है ना, बहुत बेसिक वाले, और एक बार देख लोगे डिफरेंशिएशन क्या होता है तो समझ में आ जाएगा। तो अभी मान लो कि ये होता है, ठीक, तो ये आ गया अपने पास। अब जानते यहाँ पे जो dz है, जो dx है और dy है, ये हमारा क्या है? dz dx dy को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग बोलते हैं उस मेजरमेंट का लीस्ट काउंट, या फिर एरर, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि dz dx dy हमारे क्या है? तो dz हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा एरर, ठीक है, और लीस्ट काउंट, ठीक है, एरर वगैरह लिख दे रहे हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ठीक, इस तरह डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा? डी एक्स हम बोलेंगे वही एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉट, हम बोलेंगे एक्स हो जाएगा। डी वाई हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉट, वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या डी मतलब क्या था ना, याद है? बहुत छोटा, चेंज इन जेड। डी मतलब चेंज, जेड मतलब बहुत छोटा चेंज इन जेड, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन जेड, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है, यहाँ वेरी स्मॉल चेंज इन जेड का मतलब क्या है कि मतलब जब कुछ चीज मेजर करते हो तो वो चीज क्या होती है, चेंज होती है। तो मतलब जो है आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट मतलब कितने चेंज को मेजर कर पा रहा है, कितने चेंज को मेजर कर पा रहा है, तो 1 mm के चेंज को मेजर कर पा रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, उसका लीस्ट काउंट हो जाता है। जैसे मिलीमीटर के लिए हम लोग बात करें, 1 कैलिपर हो जाता है, तो कितने छोटे चेंज को मेजर कर पा रहा है, हम बोले 0.1 mm को मेजर कर पा रहा है। तो बस को ये मान लीजिए कि मतलब जो dz dx dy होता है, वहां पे हमें क्या रखना होता है, वहां पे हमें उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को रखना होता है। ठीक है, dz dx dy को हमें क्या रखना होता है, जिस जो भी पर्टिकुलर रीडिंग है हमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका
ये हमारा आपका लीस्ट काउंट है, ये हमारा क्या आपका लीस्ट काउंट है, उस लीस्ट काउंट पर रखना होता है आपको गाइस। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। तो होगा क्या, अब हमसे बोला है कि हमें देखो, हमें जो हमने यहाँ यूज किया था एज कोड एल एन टू बी, हमने हमें एज कोड एल एन टू बी निकालना था, हमें एज कोड एल एन टू बी निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने इसे लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया हमने, लॉग ले लिया हमने इसको। ठीक है, तो हमने बोला कि एल एन एज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एल एन ऑफ एल प्लस एल एन ऑफ बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस एल एन ऑफ एल इन टू बी, ठीक, एल एन एल बी, एल एन एल बी कैन रिटन एज एल एन एल प्लस एल एन बी। हाँ हाँ बोल रहे हो, वीडियो वाइट हो गया है, पता नहीं क्यों वीडियो वाइट वाइट आ रहा है। क्या चीज, वीडियो वाइट हो गया है, वीडियो वाइट हो गया तुम्हारा, सबका वाइट हो गया क्या? नो सर, समटाइम्स इट इज हैपनिंग सर, द स्क्रीन इज अपीयरिंग वाइट बट देन द बोर्ड इज। अच्छा, तो वो थोड़ा सा सेट करता होगा अपने आप को कैमरा थोड़ा सा, अदरवाइज ओवरऑल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ। कैन यू मैनेज, कैन यू मैनेज? अरे अब आ गया, आ गया, चलें। ठीक है, तो एल एन ए इज इक्वल टू ले सकते हैं, एल एन एल प्लस एल एन बी ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया, सिंपल डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो एल एन ए का कितना हो जाता है आपका, एल एन का क्या होता है वन अपॉन, तो जो भी वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ही हो जाएगा, इंटू डी ए कर दिया। एल एन एल कितना हो जाएगा, वन अपॉन एल इंटू डी एल हो जाएगा। एल एन बी कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी इंटू डी बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस, एकदम ऐसे किया नहीं किया बताओ। डी एड अपॉन जेड, डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, एकदम ऐसे ही डी अपॉन ए, वन अपॉन एल डी एल, वन अपॉन बी डी बी। बताते जाओ हमें क्या करना है, हमें हमें मालूम है एल और बी में एरर है, तो ए में कितना एरर है, हमें वो निकालना था, याद है? ठीक है, एल इंटू बी कितना आया था भाई साहब, कितना निकाला था हम लोगों ने, याद है? एल इंटू बी कितना आया था, हमने हटा दिया, 37.99, कितना 37.99, 39.996, यही था क्या? 0.96, बस ये, यस सर। ठीक है, ये था, ये था आपका प्लस माइनस हमारा कुछ एरर आ रहा था, अब हमें ये एरर निकालना था। एरर मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का एरर, एरिया का एरर क्या लिखोगे, डीए लिखोगे, डीए। जैसे डीएल एल का एरर था, डीबी बी का एरर था, तो एक एरिया का एरर कितना है, डीए, हमें डीए निकालना है भाई। अब देखो क्या करोगे, डीए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू निकाल चुके हो, 39.96 आई है, उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डीएल अपॉन एल। डीएल, डीएल क्या है आपका, डीएल इज द लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ या एरर इन लेंथ। लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, इसको हमने वैसे लिख दिया, 0.1 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10.8 सेंटीमीटर है, सही है ना। प्लस आपका डी बी, डी बी कितना है, डी बी आपका है चेंज इन लेंथ या एरर इन द मेजरमेंट ऑफ विड्थ या फिर लीस्ट काउंट ऑफ विड्थ, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय विड्थ, विड्थ कितनी आ रही है आपकी, 3.7 सेंटीमीटर आ रही, सही है क्या गाइस? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर 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 चला गया, 0.1 0.1 कॉमन हो जाएगा, 1/10.8 प्लस 1/3.7 कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा जब का 1/10.8 प्लस 1/3.7, इसे ऐड करो, ऐड करो सब लोग, मैं ये ऐड करता हूँ इसको, थोड़ा सा हम लोग जो है 1/10.8 प्लस 1/3.7, तो 1/10.8 प्लस 1/3.7 कितना आ गया, 0.36 आ गया, 0.36 आ रहा है क्या, 0.36 आ रहा है भाई साहब। अब ये हमारा जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 39.96 इंटू 0.36 कर देंगे आप, तो इंटू आपने कर दिया कितना, 39.96, तो हाँ तो कितना आ रहा है, 14.5 आ जा रहा है आपका। तो बोलेंगे डी हमारा कितना आ गया, डी हमारा हो जाएगा आपका 0.36
इंटू आपका 39.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, तो कितना आ जाएगा कुछ आपका, ये आपका आ जा रहा है 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या सही गाइस? अच्छा, अभी हमने उसे 0.1 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, हाँ 0.1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 0.036, ये हो जाएगा कुछ आपका 1.0036। इसमें ध्यान रखना डेसिमल का, कितना है आपका ये 14.5, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 1.45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है क्या? दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, डी ए इज द एरर और लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो वो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, वो एरिया है, एरिया में ये रिपोर्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग करेंगे ये एरर कितनी आ गई आपकी, एरर आपकी आ गई कितनी 1.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 1.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका तरीका हो जाएगा। आप लोग बात समझ में आई नहीं आएंगे, बताइए। सबसे पहले क्या करना है, लॉग लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो जो वेरिएबल है डिफ्रेंशिएट करने में जो आएंगे उसके साथ उसका वो भी आ जाएगा, डीएल डीबी डीएक्स डीवाई जो भी होगा आ जाएगा, वो उसका लीस्ट काउंट माना जाएगा। लीस्ट काउंट और उन वैल्यूज को रखते जाओगे और उस जिस वेरिएबल में एरर निकालना है उसको आप उसके एग्जैक्ट फॉर्मूले से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लिया आपने, उसको भी रख दिया आपने यहाँ पे, आपने एरर निकाल दिया। रिपोर्टिंग आप इस तरह से कर दोगे, प्लस माइनस 1.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमने जो डस्टर का एरिया निकाला है उसमें इतने का एरर हो सकता है, उसमें इतने का एरर हो सकता है। ठीक है, इस तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अरे मतलब क्या हुआ, गूगल मीट में हम लोग क्लास क्यों कर रहे हैं? हेलो गार्गी, खुशी, नवनीत, पावनी, रुद्राक्ष, सहज, तनीषा, कहाँ है सब लोग? क्लियर क्लियर है ना? तनीषा, श्रेया, सौम्या, क्लियर है? क्लियर है। देखिए और देखिए, अब सपोज करो, देखो अब देखो, प्रोडक्ट रूल में ही एक प्रॉब्लम और कैसी मिल जाती है आपकी। सपोज करिए कि आपको दे रखा है, मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है, कुछ आपकी ए इज इक्वल टू दे रखा है कुछ एक्स की पावर टी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर हम बोल रहे हैं कुछ आपको आर, इस टाइप दे रखा है। ठीक है, एक्स की पावर की मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी हो इस तरह से डिपेंड कर रही है एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई जेड क्या है, मैंने वेरिएबल है, ए हमारा क्या आउटपुट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड हमारा इनपुट वेरिएबल है, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल तीन है, यानी हमारा आउटपुट वेरिएबल तीन इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, लेंथ इंटरवल था नहीं था, था तो वैसे यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, जेड की पावर आर, उस पर ये जो ए डिपेंड करता है। ठीक, अब बोल रहे बताओ कि ए के मेजरमेंट में कितना कितना एरर होगा आपका, तो इस टाइप प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम लोग आपका, जब हमारा पावर दे रखा होगा, जैसे एग्जाम्पल सपोज कर लो कि दे रखा है कुछ आपका एक्स की पावर थ्री दे रखा है, वाई की पावर जो है 1/3 दे रखा है, जेड की पावर जो है हमें दे रखा है कुछ आपका एक्स की पावर 3, वाई की पावर 1/2 कुछ टू कर दिया हमने, और टू कर दिया जेड की पावर हमने बोल दिया कुछ आपका माइनस आपका 2/3 कर दिया हमने कुछ आपका, ये इस तरह से रखा कोई एक्सप्रेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, उनका लिस्ट काउंट दे रखा है, बोल रहे हैं बताओ ये ए है इसमें क्या होगा आपका, ए जरूरी नहीं यहाँ पे एरिया हो, ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इसमें वही काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एल की पावर 1 था, बी की पावर 1 था, जरूरी नहीं कि एल की पावर 1 बी की पावर 1 हो, सकता है कि कुछ पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट्स आ जाए कुछ आपके, एक्स का एक्सपोनेंट पी है, वाई का एक्सपोनेंट क्यू है, जेड का एक्सपोनेंट हम बोल रहे हैं आपका आर है, तब कैसे करेंगे हम लोग, तो मतलब अब पी क्यू आर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने तीनों तरह का ले रखा है, प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, आपका निगेटिव हो सकता है कुछ आपका, सही है, लॉग लिया, लॉग लिया कितना हो जाएगा बताओ भाई, हो जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स थ्री वाई की पावर 1/2 अपौन जेड की पावर कितना -2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमारा क्या लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि हमारा कुछ इस टाइप फंक्शन दिया होता है, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं उसको, इसको लिख सकते हो ln ऑफ एक्स क्यू, ठीक है, प्लस ln ऑफ कितना हो जाएगा वाई की पावर 1/2 हो जाएगा, और जो नीचे होता है वो माइनस हो जाता है, ln ऑफ जेड की पावर कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये चीज़ सही है क्या गाइस, ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है आपकी,
प्रोडक्ट वाले प्लस में आते हैं, नीचे वाला व्यू पर आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाता है एलन में आपका, सही है एकदम। और जो पावर होती है वो हमारी बाहर आ जाती है, पावर हमारी क्या होती है बाहर जाती है, तो एक्स की पावर थ्री है तो हमारी बाहर आके क्या होगी थ्री एलन एक्स हो गया, वाई पावर हाफ है तो हम लोग सकते हैं हाफ ऑफ कितना हो जाएगा एलन ऑफ वाई हो जाएगा, और जेड की पावर माइनस टू वाई थी ये भी बाहर आ गया, यही बाहर आ गया। ऐसा करते हैं इसको प्लस टू बाई थ्री करो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, ठीक है कुछ मुझे दिखाना है आपको ताकि ये माइनस ही रहे, ये कितना हो गया माइनस टू पॉइंट थ्री टाइम्स हमारा कितना हो गया एलन ऑफ जेड हो गया भाई साहब, ठीक है। और माइनस करना है तो इसको कर लो माइनस, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये हमारा बाहर कितना हो गया माइनस हाफ हो गया, ठीक है आप सही है, मैं चाहता हूँ कुछ माइनस भी रहें, तो ये एक्सप्रेशन हमारे इसमें तो पावर्स होती हैं बाहर आ जाती हैं, माइनस हाफ प्लस टू बाई थ्री, ठीक है ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया एल एन ऑफ ए हो गया, ये हमारा एल एन ऑफ कितना हो गया आपका ए हो गया। अब क्या करना है अगला स्टेप क्या था, हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं बता दूं भाई जो लोग को थोड़ा सा लॉग में प्रॉब्लम लग रही हो, कोई बहुत बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं बस जो मैं बताता जा रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर्टी अभी आपको सिखाते जा रहा हूँ लॉग की, वही प्रॉपर्टी अगर मैं अलग से भी आपको लूंगा लॉग की क्लास तो वही प्रॉपर्टी से होगा, बहुत दो तीन चार तरह की प्रॉपर्टी होती है लॉग की, मैं अभी आपको समराइज कर दूंगा लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। पावर क्या होती है बाहर आ जाती है, प्रोडक्ट वाले प्लस में लिख देते हैं, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके माइनस जाता है, माइनस एल एन जेड, ये नीचे सबको अलग अलग कर सकते हो, एल एन एक्स क्यूब प्लस एल एन वाई माइनस हाफ, और ये नीचे था ये भी एल एन में आ जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर गया इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में खाली यही लॉ की इतनी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है बस, हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट क्या बताओ एल एन ए कितना हो गया, एल एन ए हमारा हो जाएगा कुछ आपका याद है वन अपॉन ए टाइम्स ऑफ डी ए, इस तरह ये हमारा कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स एल एन एक्स कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना ये है माइनस हाफ टाइम्स ऑफ एल एन वाई कितना हो गया वन अपॉन वाई टाइम्स ऑफ डी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ आपका टू बाई थ्री एल एन जेड कितना हो जाएगा वन अपॉन जेड टाइम्स हमारा कितना टाइम्स हमारा डी जेड, सही गाइस कुछ नहीं भाई एल एन एस का वन अपॉन एक्स एल एन वाई का वन अपॉन वाई एल एन जेड का वन अपॉन जेड जो कॉन्स्टेंट थे वैसे वैसे क्या रहेंगे मल्टीप्लाइड रहेंगे आपके मल्टीप्लाइड रहेंगे, ठीक गाइस बहुत बढ़िया। अब देखिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अच्छा कुछ लोग ये भरोसे होंगे कि हम लोग जो है वीडियो दोबारा देख के क्या करेंगे नोट्स बना लेंगे तो मतलब अपना टाइम ही खराब करना है, कोशिश यही रहे कि जैसे जैसे क्लास चल रही है तो उसी दौरान अपना नोट्स चलता रहे कि इतना ही टाइम बचाना है, ये नहीं कि मतलब एक घंटा अभी वीडियो एक घंटा डेढ़ घंटा क्लास की उसके बाद डेढ़ घंटा फिर से वीडियो बैठ के नोट्स बना रहे तो मतलब टाइम किल ना करिए अपना, ठीक है खाली नोट्स बनाने के लिए हम दोबारा वीडियो देख रहे हैं नहीं, कोशिश यही रहे कि मतलब नोट्स भी साथ साथ बनते जाएँ एकदम, ठीक है कुछ छूट जाए तो मतलब आपने फिर से दोबारा देख लिया कि उस पार्ट को हाँ वहाँ पे क्या था, कुछ समझ में नहीं आया तो आपने फिर से दोबारा जाके वीडियो में देख लिया कि क्या था, ठीक है लेकिन अभी फिलहाल मेरे नोट्स एकदम साथ साथ बनने चाहिए मतलब एकदम बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है स्मार्ट वर्क एकदम, ठीक है एकदम तुरंत तुरंत एकदम नोट्स आपके क्या होने चाहिए एकदम फेयर होते जाने चाहिए, ठीक है इस चले ये आ गया आपके पास ये आ गया। अब ये एक चीज होगा टू मैक्सिमाइज द एरर, क्या होता है टू मैक्सिमाइज द एरर, ठीक है क्या कहते हैं जो नेगेटिव साइन होते हैं नेगेटिव साइन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं नेगेटिव साइन को भी हम लोग क्या करते हैं प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे हम लोग लिखते हैं डी ए अपॉन ए, ठीक है नेगेटिव साइन इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन, ठीक है ना तो मतलब जितना भी निगेटिव होगा सबको क्या कर लो सबको पॉजिटिव कर लो ताकि हम मैक्सिमम रेंज बता पाए कि एरर की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है तो पूरी रेंज हम कवर करना चाहते हैं इसलिए जितने निगेटिव साइन है सबको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, हम इसको पॉजिटिव कर दिया तो हम लिखते हैं क्या है आपका हम लिखते हैं कुछ आपका डी ए पॉन ए, ठीक है इज इक्वल टू थ्री टाइम्स हमारा हो जाएगा डी एक्स पॉन एक्स हो जाएगा प्लस हाफ टाइम्स ऑफ हाफ हो गया तो माइनस को हमने प्लस कर दिया हाफ टाइम्स हमारा डी वाई पॉन वाई हो गया ये हो जाएगा हमारा प्लस आपका टू पॉन थ्री टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक है अब आपको क्या होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी उनका लीस्ट काउंट दिया होगा जो एरर होगी उनमें जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे इस वाले फॉर्मूले से आप जो है एक वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे आप क्या करोगे डी ए निकाल लोगे ए में जो आपकी एरर आ रही है रिपोर्टिंग कैसे करोगे आपकी रिपोर्टिंग कैसे हो जाएगी कुछ आपकी
रिपोर्टिंग अभी कुछ हो जाएगी आपकी। सर हाँ नाउ माय स्क्रीन इज गेटिंग ब्लैंक। नाउ योर स्क्रीन इज गेटिंग ब्लैंक। यस सर। तो यार ठीक है, तो जहाँ पे ब्लैंक हो जा रहा है तो मैं वीडियोस का मैं आप शेयर करूँगा, तो वहाँ पे फिर क्या करना देख लेना। ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है क्या? यस सर, सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। सबके साथ हो रहा है? हाँ सर, सर अभी तो आपका वीडियो भी पॉज हो गया था अभी। क्यों पावनी, नवनीत, खुशी, कार्गी, सौम्या, श्रेया सब लोग बताएं। नो सर, मेरा बस ये सर हुआ। सौम्या मेरा नहीं हुआ अभी। सही है तो यार ये तुम लोग के एंड पे प्रॉब्लम है फिर, ये सबका नहीं हो रहा है। ठीक है कोई नहीं, तो हम लोग आराम से ही चल रहे। और तुम लोग अगर ऐसा हो रहा है तो तुम लोग एक बार कहते हैं कि मीटिंग छोड़ के फिर से मीटिंग में एंटर करो तो शायद ठीक हो जाए। ऐसा कई बार होता है, एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो तो शायद ये क्वालिटी ठीक हो जाए आपकी। ठीक है तो हम लोग जो है इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने डीए कैलकुलेट कर लिया, तो जो हमारी वैल्यू आई है ए की, जो हमारी ए की वैल्यू आई है यहाँ से उसको लिखा हमने, यहाँ से जो ए में एरर आया है डीए, तो डीए क्या है बेसिकली, डीए आपका एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए है। डीए हमारा क्या है बेसिकली, एरर इन द क्या है हमारा आपका, एरर इन द हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ ए है। सही है क्या? अच्छा कई बार आपसे परसेंटेज एरर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कुछ आपका डी ए पॉन ए इंटू क्या कर दोगे 100% कर दोगे। यही हमारा क्या है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डी ए पॉन ए इंटू 100%। तो ये जो वैल्यू निकाले हो खाली इसमें क्या कर दो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये हो जाएगा कुछ आपका 3 times ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस आपका 1/2 times ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस आपका 2/3 times ऑफ डी जेड अपॉन जेड इंटू कितना इंटू 100%। सही है क्या? ठीक है अब तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए आप लोगों ने शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानते नहीं जानते आप लोग? क्यों वीर तुम बढ़े चलो, वी इज टू आई आर इज द ओम्स लॉ। तो क्या निकलना था हम लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओम्स लॉ से। हम लोग सर्किट में क्या करते हैं, हम लोग सर्किट लेते हैं उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और उसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है एक बैटरी कनेक्ट करते हैं वी वोल्ट की बैटरी, एक हम लोग एमीटर लगा देते हैं, एमीटर करंट मेजर करता है। खाली आप लोगों को इससे मतलब नहीं है, बस मैं सर्किट थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मेजर करना था तो हमने क्या किया कि उसमें हमने रेजिस्टर के क्रॉस हमने क्या किया एक एमीटर कनेक्ट किया और हमने क्या किया हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया कुछ आपका ऐसा, ये ईएमएफ है बैटरी का। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज वैल्यू आई और रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है एमीटर की जो वैल्यू आई वो बताई जा रही है आपसे। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जो वोल्टेज मेजर किया है, जो करंट मेजर किया है, एक करंट फ्लो कर रहा होगा ना, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा ना रेजिस्टेंस के क्रॉस, होता है ऐसा। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू रख के हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे आर क्या है हमारा आपका, आर हमारा आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है रेजिस्टेंस है और हम बोल रहे हैं ये इक्वल हो जाएगा कुछ आपका वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन कितना है आपका करंट है। बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है। तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में जो वोल्टेज वैल्यू आई गिवन वोल्टेज की वैल्यू आई, वैल्यू कितनी आई बोल रहे हैं आपकी आई 10 वोल्ट आई और जिस इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज नापा गया था उसका जो लीस्ट काउंट दिया था कितना है, वो दिया है आपका 0.1 वोल्ट दिया हुआ है।
10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, प्लस माइनस 0.1 क्या हो जाएगा कुछ आपका, ये वोल्ट हो जाएगा कुछ आपका। और करंट कितना दे रखा है, करंट की वैल्यू आई आपकी, करंट की वैल्यू आई आपकी आपकी आई 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर वैल्यू आई, करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। और एक बात जान लीजिए, जब भी आपको जो है वैल्यूज, जब भी जो है आपको वैल्यूज जो है एरर के साथ दी रहती हैं, लीस्ट काउंट के साथ दी रहती हैं, तो आपको जो है जो आंसर होता है उसे भी आपको जो है लीस्ट काउंट के साथ ही बताना होता है। अब कहने को तो सर आपको वी दे दिया, आपको आई दे दिया गया है, तो वी अपॉन आई से हम रेजिस्टेंस फटाक से बता दें, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है कि वी में एरर है 0.1 वोल्ट की। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मेन वैल्यू प्लस एरर लीस्ट काउंट, मेन वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट। तो इनमें जब एरर है तो आप जो आर निकालोगे, आर में भी क्या होगी, आर में भी एरर होगी नहीं होगी गाइस, सही है। तो रेजिस्टेंस तो पहले, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लो, आर इक्वल वी अपॉन आई से रेजिस्टेंस निकाल लिया। वी कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। जब आप मेन वैल्यू निकालते हो तो मेन वैल्यू यूज करते हो, तब एरर के, एरर को यूज नहीं करते हो। तो आर मेन वैल्यू निकाल रहे हैं तो वी की मेन वैल्यू 10 वोल्ट है, आई की मेन वैल्यू 5 एम्पियर है, अपॉन हमने कितना कर दिया 5 एम्पियर कर दिया, 5 टू 10 ये हो जाता है 2 ओम आ जाता है। रेजिस्टेंस यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। लेकिन ये तो मेन वैल्यू है, अब इसमें एरर कितनी है, अब इसमें एरर कितनी गाइस, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, बेसिकली आपका वी अपॉन आई फॉर्म में दे रखा है आपका, ठीक है, वी अपॉन आई फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसा भी एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हमने उसका कैलकुलेट कर लिया तो इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं आपका, कैसे करेंगे बताओ। हमने क्या किया, फिर से हमने इसको लिखा आर इक्वल टू वी अपॉन आई, एरर कैलकुलेट करनी है, हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स क्या किया गाइस, हमने दोनों साइड्स आपका लॉग ले लिया, दोनों साइड्स हमने लॉग ले लिया। क्या लिखोगे, एल एन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एन आपका वी अपॉन आई हो जाएगा, और एल एन वी अपॉन आई को हम लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन बी इज वॉट, एल एन ए माइनस एल एन बी, नीचे वाला जब ऊपर आता है तो माइनस साइन के साथ आता है लॉग में। यही बात, एल एन आर हो गए नहीं हो गए भाई साहब, अरे हो गए नहीं हो गए बताइए, सही है क्या, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाएगा बताओ, एल एन आर आपका हो जाएगा कुछ आपका 1/r टाइम्स ऑफ डी आर इज इक्वल टू, एल एन वी हो जाएगा 1/v टाइम्स ऑफ डी वी, एल एन आई हो जाएगा आपका 1/i टाइम्स ऑफ वॉट, 1/i टाइम्स ऑफ कितना, डी आई, ठीक है। हमने आपको एक बात बताई थी पिछले वाले उस टॉपिक में कि टू मैक्सिमाइज द एरर, जो माइनस साइन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। तो माइनस आया है तो इसको हमने क्या कर दिया भाई को, इसको भी हमने क्या कर दिया, प्लस ही कर दिया। अब मुझे डी आर क्या बता रहा है, डी आर आर का, आर में एरर बता रहा है, डी वी वी में एरर बता रहा है, डी आई आई में एरर बता रहा है, और जनरली क्या होते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट होते हैं। तो हमें जो है वोल्टेज का लीस्ट काउंट मालूम है क्या, वी का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 वोल्ट है, तो हमने कितना लिखा 0.1 वोल्ट अपॉन वी, वी कितना आया है 10 वोल्ट आया है, हमने यहाँ पे इसको 10 वोल्ट लिख दिया प्लस ऑफ, ठीक है। डी आई, डी आई मतलब आई का एरर कितना है 0.2 है, हमने बोला कितना हो जाएगा कुछ आपका 0.2 एम्पियर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आई, आई कितना है आपको 5 एम्पियर, तो हो जाएगा कुछ आपका 5 एम्पियर। दिस थिंग इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, आर के वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, आर वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई आपकी 2 ओम आई है, तो हमने उसकी वैल्यू कर दी 2 ओम भाई साहब, रख दी गई। ये हो जा रहा हमारा 1/10 प्लस आपका 2.5, 1/10 0.1 है, 1/100 ये हमारा कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा नीचे क्या 50, 2.50 इज 1/25, सही है गाइस। 1/25 इज 4/100, 5/100, 5/100 इज आपका 1/20, तो हमने बोला डी आर अपॉन टू कितना हो जाएगा कुछ आपका हो जाएगा 4/5/2, 1/20 हो जाएगा क्या, यहाँ से हमारा डी आर कितना हो जाएगा, डी आर आप बोलोगे 2 × 10 0.1 कितना आ गया आपका, ओम आ गया भाई, अरे आ गया नहीं आ गया। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा फास्ट की है लेकिन आप लोग कर सकते हो, बहुत सिंपल वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप भी कर लोगे। तो रिपोर्टिंग कैसे करोगे, रिपोर्टिंग करोगे ऐसे कि रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे 2 प्लस माइनस, एरर कितनी आई है, एरर आपकी 0.1 ओम आई है, तो आप लिखोगे 0.1 क्या आपका कितना ओम, सही है गाइस, अरे आया नहीं आया, हेलो Yes, sir. सही है। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, क्यों मैं फास्ट,
गार्गी, खुशी, नवनीत, सब लोग बोलो भाई। हरी, नो सर। ठीक है ना? नो सर। ठीक है, आपको जब भी लगे कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रही स्पीड तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? मैं उसको रिकैप करा दूंगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे आपको। बस आपको क्या करना है, बस यही, बस लॉग लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डीआर निकालना है। डीआर ही हमारी क्या है, आर की एरर है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ एरर को मैक्सिमाइज क्यों करेंगे? फिर से बोलो, तेज बोलो। एरर को मैक्सिमाइज क्यों करेंगे? एरर एनालिसिस दोबारा शुरू करेंगे? नहीं सर, एरर फेल है क्यों करें? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रही हो तुम? माइज क्यों करेंगे? वॉइस फिर से बोलो रुद्राक्ष, क्या क्या एरर को मैक्सिमाइज क्यों करेंगे? मैक्सिमाइज, अच्छा अरे अच्छा, मैक्सिमाइज क्यों करते हैं? हाँ, एरर को मैक्सिमाइज करते हैं। माइनस को हमने प्लस क्यों किया? हाँ, या ठीक है, ठीक है, आपने माइनस को प्लस क्यों किया, मतलब आपने एरर को मैक्सिमाइज क्यों किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तुमने, जिसने पूछा है। ठीक है, अब देखो हो रहा है क्या, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? वोल्टेज वैल्यू आ सकती है 10 प्लस 0.1 यानी 10.1 आ सकती है, और 10 माइनस 0.1 कितनी आ सकती है आपकी? 9.9 आ सकती है, नहीं आ सकती है? कोई भाई, कोई आदमी जो है प्लस, मतलब ये इतनी एरर हो सकती है मेजरमेंट में? तो किसी ने 10 प्लस 0.1 10.1 नाप दिया, किसी ने 10 में माइनस 0.1 9.9 नाप दिया, किसी भाई साहब ने करंट को कितना नापा, किसी ने बोला कि 5 प्लस 0.2 को उन्होंने 5.2 नापा, और किसी भाई साहब ने 5 माइनस 0.2 कितना नाप दिया, उन्होंने 4.8 नाप दिया। क्यों भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, जब हम यहाँ वैल्यूज रख रहे हैं तो देखो हुआ क्या, अगर मैं माइनस लेके चलूँ यहाँ पे, मैंने मैं माइनस को प्लस नहीं किया, ठीक है। अब जो डीआई है, जो एरर है, डीआई क्या हो सकता है? डीआई जो एरर है वो जो है हमारी क्या हो सकती है कि वो ये फाइव, देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस है कि नहीं है, प्लस माइनस है कि नहीं, तो हो सकता है ये जो माइनस है और डीआई क्या हो, डीआई माइनस में हो, डीआई क्या हो माइनस में हो, यानी कि 5 माइनस 0.2 वाला मैटर ले रखा हो आपने, 5 माइनस 0.2 कितना हो गया, 4.8 हो गया ना। तो जब यहाँ पे डीआई को भी निगेटिव रखोगे, मतलब ये एरर वाला पार्ट, कि एरर मेरी कितनी है, प्लस 0.2 नहीं, एरर मेरी माइनस 0.2 है, तो माइनस 0.2 और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हेलो, डीआई चे एरर, एरर क्या हो सकती है, प्लस 0.2 भी हो सकती है, माइनस 0.2 भी हो सकती है, प्लस 0.2 भी हो सकती है, माइनस 0.2 भी हो सकती है। तो माइनस 0.2 जब होगी एरर, तो माइनस 0.2 ये है और माइनस भी है, माइनस माइनस 0.2 कितना हो गया, प्लस 0.2 हो गया, तब तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है कि नहीं है? और हम चाहते हैं कि हम पूरी रेंज बता दें कि इसमें जो एरर आ रही है रेजिस्टेंस की रीडिंग में, वो एरर की रेंज क्या होगी। अब देखो इसकी रीडिंग, अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हमारा कितना आ गया, आपका 0.1 आ गया, तो वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, वैल्यू हो सकती है कुछ आपकी 2.1 ओम भी हो सकती है आपकी, और हम बोल रहे हैं कि आपकी कितनी होती है, 2 माइनस 0.1 कितनी होगी आपकी, 1.9 ओम भी हो सकती है आपकी, सही है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनके बीच में कुछ भी आ सकती है आपकी, ठीक। अच्छा, अगर मैं क्या करता, मैं यहाँ पे माइनस को मैं प्लस ना करता, मैं माइनस को यहाँ पे प्लस ना करता, मैं यहाँ पे खाली क्या रखता, माइनस ही रखता आपका, मैं यहाँ पे क्या करता, खाली माइनस ही रखता, तो मैं इसको थोड़ा पैरेलल दिखा देता हूँ कुछ आपका, इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। ये आया था, इसको हमने फिर क्या किया था, हमने प्लस कर दिया था। देखो डी आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन आर हम बोलेंगे ये हमने किया, अभी माइनस कर दोगे, 1/100 माइनस 1/25 कर दोगे, 1/100 माइनस 1/25 कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा कुछ आपका, ये माइनस चल रहा है ना, ये माइनस, ये माइनस चलता रहेगा, माइनस 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 माइनस, 1/100 माइनस 1/25, आप लिखा 1/100 माइनस 1/25 कर दिया आपने, ये हो जाएगा आपका 4/100, ये हो जाएगा माइनस 3/100 हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा डी आर हो गया कुछ आपके, डी आर अपॉन आर हो गया आपके, ठीक है। आर हमारा कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 0.03 × 2, तो डी आर हमारा कितना हो जाएगा माइनस आपका 0.03 × 2 इज 0. हमारा कितना 0.6 ओम आ गया, नहीं आ गया। अब जो रेजिस्टेंस लिखो कितना लिखोगे, लिखोगे आर प्लस माइनस डी आर लिखोगे, नहीं लिखोगे भैया, लिखोगे ना,
तो ये हो जाएगा आर प्लस माइनस डी आर, आर की वैल्यू कितनी आई है 2 ओम आई है, प्लस माइनस डी आर कितना है 0.06 आया है, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, आपका मतलब माइनस प्लस हो जाएगा कुछ, लेकिन बात वही रहेगी, तो हम इसे प्लस माइनस लिख सकते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेंज क्या है, 2 + 0.06 करोगे कितना हो जाएगा 2.06 ओम हो जाएगा, 2 - 0.06 करोगे कितना हो जाएगा 1.94 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, 1.94 प्लस 0.06 2 पॉइंट, सही है क्या? अब रेजिस्टेंस जो है इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है आपका, ठीक। अब फर्ज करो तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस जो है कौन सी रेंज नैरो है, ये रेंज नैरो है ना 2.06 से 1.94, ये रेंज थोड़ा ब्रॉड है ना 2.1 से 1.9, ये ज्यादा बड़ी रेंज है ना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सपोज करो कि DI की वैल्यू मैं ले लेता हूं, कौन सी, माना 0.12 लेता हूं, यानी कि 4.81 ले लेता हूं, ठीक है। और B की वैल्यू मैं ले लेता हूं, कौन सी लेता हूं, 10.1 ले लेता हूं, 10.1 4.8। अब देखो 10.1 4.8 से आप सॉल्व करो जरा V अपॉन I कितना आएगा, मैंने V की वैल्यू 10.1 ली है, मैंने I की वैल्यू 4.8 ली है, अब चेक करो कि आपका जो है रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रहा है, आप सब लोगों के पास मोबाइल है, आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका है V अपॉन I, V की वैल्यू 10.1 है, I की वैल्यू 4.8 है, 10.1 अपॉन 4.8, देखिए 10.1 अपॉन 4.8 कितना आएगा, 10.1 डिवाइडेड बाय आपका 4.8 कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2.104 आ रहा है, सबका आ रहा है, नहीं आ रहा गाइस। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू लेता हूँ कितनी, 10.1 लेता हूँ, और I की वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ, I की वैल्यू मैं लेता हूँ आपकी 4.8 लेता हूँ, तो मेरा R की वैल्यू कितनी आ रही है, R की वैल्यू मेरी आपकी आ रही है 2.104 आ रही है, मैं एक डिजिट दे रहा हूँ 2.1 आ रही है मेरे पास, तो क्या 2.1 हो, देखो इस रेंज के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2.1 तो इससे बड़ा हो गया ना, इस रेंज में तो नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये जो हमने एरर दी है, ये एरर में मतलब मेरी कुछ कमी है कि नहीं कमी है बताओ, क्यों, बात समझ में आ रही कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आदमी वोल्टेज साइड में हायर साइड वोल्टेज मेजर कर गया, वोल्टेज में खाली उसने प्लस वाले को पार्ट को मेजर कर लिया, माइनस को नहीं मेजर किया, प्लस वाला, ये वाला पार्ट प्लस से आ रहा था, ये वाला पार्ट प्लस से आ रहा था, ये वाला पार्ट माइनस से आ रहा था, ये वाला पार्ट प्लस से आ रहा था, ये वाला माइनस से आ रहा था, तो आदमी ने वोल्टेज को प्लस वाला मेजर कर लिया, जबकि करंट को जो है उसने निगेटिव साइड मेजर कर लिया, ठीक। तो वोल्टेज वाला पार्ट तो क्या रहा, प्लस रहा, डीवी तो ऑलरेडी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक, जबकि डीआई डीआई आप क्या हुए, आप माइनस लेके चल रहे हो, आप बोले हम माइनस लेके चलेंगे सर, हमने माइनस लेके चलते हैं, हम लोग माइनस लेके चलते हैं, माइनस लेके चलते हैं भाई साहब, तो डीआई क्या हुआ, डीआई वाला हमने निगेटिव ले लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये निगेटिव ले लिया, जब ये निगेटिव ले लिया, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से 0.1 आ गया, तो एरर कितनी आ गई, डीआर आपकी 0.1 आ गई, तो 2 + 0.1 ओम आ गया आपका, तो चारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कि चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देखो भाई वोल्टेज और करंट की हम लोग बात करते हैं, वोल्टेज में प्लस माइनस हो सकता है, करंट में प्लस माइनस हो सकता है, तो आदमी जो है कभी ये जो कभी इसको दोनों को ले सकता है, दोनों पॉजिटिव साइड में, हायर साइड में मेजर कर लिया, कभी दोनों को उसने क्या किया कि लोअर साइड में मेजर कर लिया, कभी हो सकता है कि वोल्टेज को हायर साइड में मेजर किया, करंट को लोअर साइड में मेजर किया, या कभी उसने क्या किया करंट को हायर साइड में मेजर किया, उसने वोल्टेज को लोअर साइड में मेजर कर लिया, ऐसे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग करते हैं सबको प्लस ले लेते हैं, कि दोनों का प्लस दोनों का माइनस, तो ये एक्सट्रीम हो गया ना, इसका भी प्लस इसका माइनस एक्सट्रीम हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं पॉजिटिव कर लेते हैं। आई होप आई मेड दिस थिंग क्लियर। किसने पूछा था, गार्गी खुशी कौन पूछा था, ठीक है ना, क्लियर है क्या, ठीक है, तो दो एरर में होता था कि भाई जरूरी नहीं कि आप प्लस साइड में जाओ, आप माइनस साइड में तो जा सकते हो ना, ठीक है, इसका प्लस ले लिया, इसका माइनस ले लिया, या इसका माइनस ले लिया, इसका प्लस ले लिया, तो बस ये ध्यान रखना है आपको। हाँ क्या बोल रहे हो, स्क्रीन फिर ब्लैंक हो गई, तुम्हारा राज तुम्हारी आज वो चल रही है, इंटरनेट स्लो चल रहा है तुम्हारा, आप सही है ना, जब स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा तो मीटिंग छोड़ के फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लिया करो सब लोग,
सर आप चैट पढ़ पाते हो? क्या चीज? चैट 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 ऑन है, चैट ऑन कर लिया मैंने। अब चैट ही ऑन कर दे तो फिर हम लोग यूट्यूब लाइव पे आ जाएं फिर तो। हमें लग रहा है यूट्यूब लाइव सही है, इसमें जो है गूगल मीट पे जो है दिक्कत हो रही है। क्यों बच्चों, क्या कहते हैं, यूट्यूब लाइव पढ़ना चाहिए कि हमें जो है गूगल मीट पढ़ना चाहिए कि हमें जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पढ़ने चाहिए? सर गूगल मीट भी सोचते। गूगल मीट सही है ना? गूगल मीट ठीक है, ठीक है। तो बस ध्यान रखो, जब भी माइनस होगा तो हमें माइनस क्या करना है, माइनस को हमें प्लस ही कर देना है बस। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ गाइस, देखिए तो और क्लियर होगा। इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा नोट्स में, इसको प्लस कर लेना, प्लस कर लेना, इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंट, ठीक है, तीनों हो गए हमारे एक साथ, तीनों हो गए हमारे एक साथ, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ जो क्वेश्चंस आपके जेई मेन में आए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन वो कराता हूँ आप लोगों को तो थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा था, करें सैंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, जेई में, जेई 2019 में आया है, पिछले साल ही आया है। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैं सिंपल पेंडुलम दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक रस्सी से बॉब को सस्पेंड कर दिया गया और हम लोग ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हैं। हम दे रखा है कि जी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, मीन टाइम, बोले मीन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, मीन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस कितना आ रहा है आपका, वो बोले आपका आ रहा है 30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड आ रहा है गाइस। और यूजिंग अ वॉच किसे नापा गया, यूजिंग अ वॉच ऑफ, क्वेश्चन बहुत लंबा मैं छोटा कर रहा हूँ, यूजिंग वॉच ऑफ बोले वन सेकेंड लीस्ट काउंट, यूजिंग वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखी है एल, एल दे रखी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको दे रखी है कुछ 55 सेंटीमीटर दे रखी है, 55 सेंटीमीटर दे रखी है, यूजिंग अ मीटर स्केल जिसे नापा गया है, यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, ऑफ लीस्ट काउंट, देखिए साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ लीस्ट काउंट कितना है उसका, 1 mm है, कितना है उसका लीस्ट काउंट, 1 mm है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज, पर ऑप्शन दे रखा है आपका 0.7% दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कुछ आपका 6.8% दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 3.5% डी दे रखा है कुछ आपको 0.2%, ठीक है। इस ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ, इस तरह से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है जेई जेई में, और मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा, क्लास 11th में भी इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जी कैलकुलेट करना होता है, उसमें जो है टाइम पीरियड मीन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन नहीं बताया था आपको, 20 बार करते हैं नापते हैं, 20 ऑसिलेशन का टाइम दे रखा 30 सेकंड आ रहा है, जिस वॉच से टाइम को मेजर किया गया स्टॉप वॉच उसका दे रखा लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकंड है, नॉर्मल वॉच से मेजर किया गया, स्टॉप वॉच नहीं नॉर्मल वॉच थी,
ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जिस स्केल से नापा गया 55 सेंटीमीटर आ रही है, उस स्केल का लीस्ट काउंट है यूजिंग मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm दे रखा है आपको। बोले परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी बताओ। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, टी इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी को कैलकुलेट करते हैं, जी जी या परसेंटेज एरर इन जी इन द मेजरमेंट ऑफ जी। ठीक, तो अब देखिए जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको क्या कर लो, उसके टर्म्स में बाकी सबको एक्सप्रेस कर लो, जिसको कैलकुलेट करना है उसके टर्म्स में बाकी को एक्सप्रेस कर लो। तो जी की मेजरमेंट को एरर देखना है तो हमने जी के टर्म्स में बाकी को एक्सप्रेस कर दिया, तो हमें क्या किया, हमें स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi square एल अपॉन जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस बताओ, सही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi square एल अपॉन जी हो जाएगा। यहाँ से जी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जी हमारा हो जाएगा जबकि 4 pi square टाइम्स ऑफ एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, जी इधर गया टी नीचे आ गया, सही क्या गाइस, हेलो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लॉग ले लिया, हमने लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग हमने क्या किया ऑन बोथ साइड्स, यही करते हैं। अब हमें एल की लेंथ, एल हमें देखो एल दे रखा है, देखो कैरेज लिखो कैसे, एल लिखोगे एल कितना दे रखा है, 55 सेंटीमीटर दे रखा है, 55 सेंटीमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना दे रखा है एल का 1 mm, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो लेंथ की लेंथ में का लीस्ट काउंट भी रखा है इधर। इस तरह हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 20 और 30 सेकेंड यूजिंग वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, ठीक है, मीन टाइम फॉर 20 ओसिलेशंस, ठीक है, 20 ओसिलेशन का टाइम 30 सेकंड है, ठीक है, एक ओसिलेशन का टाइम कितना होगा बताओ, एक ओसिलेशन का टाइम कितना होगा, मीन टाइम फॉर 20 ओसिलेशन, तो हम बोलेंगे मीन टाइम फॉर 1 ओसिलेशन कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, अरे 20 का 30 है तो 1 का कितना है, अरे 30/20 है कि नहीं ना, इसका तो 30/20 सेकंड होगा, नहीं होगा बताओ, दिखाई दे रहा है, 20 का 30 है तो 1 का 30/20 होगा, और 20 ओसिलेशन में एरर 1 सेकंड की हो सकती है, ठीक है, ये एरर है 1 सेकंड लीस्ट काउंट एरर है, मतलब 20 ओसिलेशन का जो टाइम मेजर किया है उसमें एरर 1 सेकंड की हो सकती है, तो हम बोलेंगे 1 ओसिलेशन में लीस्ट काउंट ऑफ 1 ओसिलेशन कितना होगा, 1 ओसिलेशन के टाइम मेजरमेंट में कितना कितना एरर होगा, तो 20 ओसिलेशन में 1 सेकंड का एरर हो सकता है, तो 1 ओसिलेशन में कितने का एरर हो सकता है, तो हम बोलेंगे 1/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, 1/20 सेकंड, हाँ कि ना गाइस, बोलो बोलो, 20 ओसिलेशन का टाइम मीन टाइम कितना है, 30 सेकंड है, ठीक है, तो 1 ओसिलेशन का टाइम कितना होगा, 20 का 30 है, यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड, 30/20 हो जाएगा। अब जो आपने टाइम मेजर किया 30 सेकंड, उस टाइम 30 सेकंड जो आपने मेजर किया है उसमें उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकंड है, यूजिंग वॉच ऑफ सेकंड 1 सेकंड लीस्ट काउंट, तो 30 सेकंड में एरर कितनी हो सकती है, 1 सेकंड की एरर हो सकती है, यानी 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, तो 1 ओसिलेशन में एरर कितनी होगी, तो 20 ओसिलेशन में 1 सेकंड की एरर हो सकती है, तो 1 ओसिलेशन में कितनी एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट एरर बताता है, तो 1/20 होगी, नहीं होगी 1/20 होगी, ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन पर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग लिया हमने, एलन ऑफ जी कितना हो जाएगा, अब बोलो एलन ऑफ कितना, एलन ऑफ 4 pi square इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है क्या, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 4 pi square एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो क्या है, कांस्टेंट है ये एल है, ये टी स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करोगे एलन 4 pi square हो जाएगा प्लस एलन एल हो जाएगा माइनस एलन टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है गाइस, एलन 4 pi square अलग, एलन एल अलग, एलन टी स्क्वायर अलग, ठीक है, ये अब जो है पावर बाहर आ जाती है तो उसको पावर को यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एल एन जी हो गया, नहीं हो गया भाई साहब, ये हमारा एल एन जी हो गया। अब क्या करना होता है, एरर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग लेने के बाद तुरंत क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, एल एन जी कितना हो जाएगा, 1/g टाइम्स ऑफ डी जी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू एल एन 4 pi square, 4 pi square कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, जो लोग डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं पढ़े हैं वो मानते जाएं, ठीक है, एल एन कितना हो जाएगा, 1/L टाइम्स ऑफ डी एल हो जाएगा, एल एन टी कितना हो जाएगा, -2/t टाइम्स ऑफ डी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, और टू मैक्सिमाइज द एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए नेगेटिव साइन इज रिप्लेस बाय व्हाट, नेगेटिव साइन इज रिप्लेस बाय पॉजिटिव साइन, यस और नो गाइस,
नेगेटिव साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, पॉजिटिव साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है गाइस। अब जो हमें परसेंटेज अगर निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ जी, मतलब पूछा क्या है आपसे, तो आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डी जी अपॉन जी इंटू 100% पूरा यही पूछा ना, डी जी अपॉन जी इंटू 100% हमारा क्या बता रहा है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। ये लिखते हैं जी डी जी अपॉन जी, चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, यही होता है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही गाइस। अब वैल्यू रखते जाओ तो लिखोगे क्या, लिखोगे डी जी अपॉन जी इन टू 100% दिस थिंग इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल, एल में एरर कितना है, एल में एरर 0.1 सेंटीमीटर का है जो उसका लीस्ट काउंट था, तो हमने लिखा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एल, एल कितना हो गया, एल 55 सेंटीमीटर हो गया, प्लस टू टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन टी, टी में कितना एरर है, लीस्ट काउंट अपन ऑस्लेशन कितना आया, 1/20 आया नहीं है, लीस्ट काउंट एरर होता है ना, तो एक ऑस्लेशन में कितना एरर है, 1/20 ऑस्लेशन में कितना एरर था, एक सेकंड का था, 20 ऑस्लेशन में एक का था, एक ऑस्लेशन कितने का एरर होगा, 1/20 होगा, तो आपने इसे लिखा कितना, 1/20 लिखा डिवाइडेड बाई टी, एक ऑस्लेशन का कितना टाइम है, वन ऑस्लेशन का कितना टाइम, मीन टाइम फॉर वन ऑस्लेशन इसे कितना, 30/20, 30/20 कितना हो जाएगा आपका, 1.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गाइस, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 सेकंड हो जाएगा, 3.2 इज 1.5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है भैया, 1.5 सेकंड, तो हमने यहाँ रख दिया कितना, ये सेकंड है, ये भी हमारा सेकंड हो गया, सेकंड सेकंड हमारे चले गए, आपको परसेंटेज करना है, इनटू आपने 100% कर दिया, बताओ कितना आएगा, 1/550 इनटू 2 से 2 चला जाएगा आपका, 2 से 2 चला जाएगा आपका, 1/10, 1/15, 1/550 प्लस 1/15, 1/550 प्लस 1/15, बताओ, हम बोलेंगे 1/550 प्लस 1/15, 1/15 इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 0.068, इंटू 100 करोगे 6.8% आ रहा है, कितना आ रहा है आपका भाई, ये आपका आ रहा है 6.8%, दिस इज द आंसर, आ रहा नहीं आ रहा है, 6.8% इज द आंसर, बस इतना करना होता है, इतने में 4 नंबर आपको मिल गया एकदम खटाक से, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आपका जेई मेन में, अरे तुम आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो आ रहा है, कर देंगे, तो इस क्वेश्चन को एकदम पक्के एकदम रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, जेई जेई में 2 बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से, ठीक है, ये थोड़ा सा सबसे मेन पार्ट यही है, मेन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन 30 सेकंड है, 20 ऑसिलेशन का टाइम जो है 30 सेकंड है, तो एक का कितना हुआ, 30/20 हुआ ना, अब 20 ऑसिलेशन में करने तो टाइम कैलकुलेट किया, उसमें एरर कितनी हो सकती है, 1 सेकंड की हो सकती है, यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकंड लीस्ट काउंट, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, 6 लाइन क्वेश्चन है, मैंने बहुत बस क्रक्स लिख दिया है, तो यूजिंग वॉच ऑफ 1 सेकंड लीस्ट काउंट, 30 सेकंड में एरर 1 सेकंड की हो सकती है, यानी कि 20 ऑसिलेशन का जो टाइम एरर किया गया उसमें 1 सेकंड की एरर हो सकती है, तो एक ऑसिलेशन में कितनी एरर हो सकती है, 1/20 हो जाएगी, 20 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की एरर है, एक ऑसिलेशन में कितनी एरर होगी, 1/20 ना, क्यों, 1/20 ये लीस्ट काउंट हो गया, एक ऑसिलेशन का लीस्ट काउंट 1/20 है, 20 ऑसिलेशन का लीस्ट काउंट कितना है, 1/1 सेकंड है, ठीक, बस यही मेन था इसमें, यही थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपको जो निकालना होता है उसके टर्म्स आपने फॉर्मूला बना लिया, लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया, जो लीस्ट काउंट दिया सब रखा, जो वैल्यूज दी वो रखी, डीजी पूछा क्या है, डीजी अपॉन जी 200 परसेंटेज एरर पूछा है, क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज एरर इन जी पूछा है, ये क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, ठीक गाइस, बहुत बढ़िया, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए कह रहे डेंसिटी ऑफ मटेरियल,
क्वेश्चन है, कोई क्यूब दे रखा है भाई साहब, ये क्यूब दे रखा है, इसका डायमेंशन बोला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बॉन्ड वॉल्यूम होता है क्या, मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ठीक है, इज इफ इफ रिलेटिव एरर्स को ही परसेंटेज एरर बोलते हैं, इन मेजरिंग मास एंड लेंथ आर बोले कि 1.5% एंड 1%, ठीक है, ऑप्शन ही दे रखा है, इज ये पूछा है, ठीक है, इफ 6.6% है, ऑप्शन बी दे रखा है आपका 2.5% है, ऑप्शन सी दे रखा है आपका 3.5% है, ऑप्शन डी दे रखा है आपका 4.5% है, ठीक है, इस क्वेश्चन क्लियर है एकदम, मतलब किसी क्यूब की डेंसिटी जो है हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जब हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी में कितनी एरर हो सकती है, मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज इफ रिलेटिव एरर्स इन द मेजरिंग मास एंड लेंथ इज इतना इतना, मतलब मास और लेंथ में जो रिलेटिव एरर होता है, मतलब परसेंटेज एरर होता है, वो कितना हो रहा है, 1.5% एंड 1% हो रहा है, ठीक है, इस बहुत बढ़िया, देख कैसे करें, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि रिलेटिव एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर इज सेम एज परसेंटेज एरर, ठीक है, पहली चीज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम आपका एल क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो कुछ आपका एम अपॉन एल क्यूब लिख सकते हैं गाइस, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एम अपॉन एल क्यूब लिख सकते हैं, अब जो है बोले अगर मास के मेजरमेंट में एरर है, लेंथ के मेजरमेंट में एरर है, तो डेंसिटी के मेजरमेंट में एरर होगा, तो बताओ वो परसेंटेज एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, मास में एरर है, लेंथ में एरर है, तो डेंसिटी में कितना एरर होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे, कैसे करें, कुछ नहीं करना, क्या करना है हमको, सबसे पहला काम को ही करना, लॉग लेना है, तो बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया हमने भाई, एलन ऑफ ये डेंसिटी फॉर्मूला, ये हमारा क्या डेंसिटी है, डेंसिटी को मैं रो से भी दिखा देता हूँ, मैं इसे डी से भी दिखा सकता हूँ, आप लोग अभी इससे परिचित नहीं हो तो मैं इसे डी से दिखा रहा हूँ, डी मतलब डेंसिटी, तो एलन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एलन ऑफ एम हो जाएगा, माइनस एलन ऑफ कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस लॉग ले लिया, एलन डी इज इक्वल टू एल एम अपॉन एल क्यूब उधर चला गया, पावर को हमने क्या किया, पावर को हमने यहाँ लिया है, सही है, हमने फिर क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एल एन डी कितना हो जाएगा बताओ, 1/d टाइम्स हो, डी डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको कैपिटल डी कर लो, क्योंकि डी डी मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, डी डी इज इक्वल टू कितना, एल एन एम कितना हो जाएगा, 1/m टाइम्स ऑफ डी एम हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1/l टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा भाई, सही है क्या, सही है, तो मैक्सिमाइज एरर क्या करना होता है, माइनस को प्लस कर लेना होता है ना, ठीक है, मैक्सिमम एरर पूछा, देखो मैक्सिमम एरर मतलब सबको माइनस क्या कर लो, माइनस को प्लस कर लो, अब देखो इनटू 100% कर लोगे तो यहाँ भी क्या कर लोगे, यहाँ
यहाँ भी 100% से मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सही है। तो डीएम अपॉन एम इनटू 100% ही हमारा क्या है, परसेंटेज एरर इन एम है, रिलेटिव एरर इन एम है। तो रिलेटिव एरर इन एम कितना दे रखा है, 1.5% दे रखा है ना, यानी इस पूरे एक वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको लिख सकते हो कि जब आपका डीएम अपॉन एम इनटू 100% कर दिया, ये हमारा रिलेटिव एरर इन एम हो गया, इसको कर दिया 3 times ऑफ डीएल अपॉन एल, डीएल अपॉन एल इनटू 100% कर लिया, ये रिलेटिव एरर इन एल हो गया भाई साहब, ठीक है ना, हो गया। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको रिलेटिव एरर इन मेजरिंग मास इज 1.5, इन मेजरिंग लेंथ इज 1%, तो मास का 1.5% है, हमने मास का 1.5% कर दिया, लेंथ का 1% है, 1% कर दिया, सिंपल कितना हो गया, 1.5 प्लस 3 इज व्हाट, इज आपका सिंपली 4.5%, ये हमारा क्या है, दिस द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, डेंसिटी, सही है क्या गाइस, 4.5% दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 4.5%, दिस इज द आंसर। अरे कर दोगे नहीं कर दोगे बताओ, यहां से हमारा क्या होता है भाई, एरर्स हमारा खत्म है। अब कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा आज, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। जितने मेरी जेई मेन एडवांस क्वेश्चन आए मैं वो सारे क्वेश्चन आपको भेजूंगा, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। इस तो मेरे ख्याल से बस यही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एरर्स को हम लोग ऐड करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एक्सपोनेंट्स में होती हैं पावर्स वेरिएबल्स की, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लॉग लेके डिफरेंशिएट करके हम लोग जो है लीस्ट काउंट को रखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग लीस्ट काउंट को ऐड कर देते हैं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में लीस्ट काउंट को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स टू रेज टू द सम एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके डिफरेंशिएट करके हम लोग फिर लीस्ट काउंट को रखते हैं, ठीक है क्या, ठीक गाइस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको और समझ आएगा।